इस वीडियो में जो आपने पांच इंट्रो देखा इन पांचों इंट्रो को आपको बनाना सिखाऊंगा स्टेप बाय स्टेप आपको फुल्ली कस्टमाइज करके दिखाऊंगा और लोगो बनाना सिखाऊंगा कैसे आप लोगो बना सकते हैं लोगों को रिसाइज करना सिखाऊंगा कैसे आप लोगों को रिसाइज कर सकते हैं और वीडियो के अंदर से किस तरह से वाटर मार्क को रिमूव करना है यह भी आपको बताने वाला हूँ तो इस वीडियो को आप लास्ट तक जरूर देखना तो हेलो फ्रेंड्स मेरा नाम है अनुज और टेक्निकल सपोर्ट यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है तो इस प्रोसेस को आप अपने मोबाइल फोन पे या लैपटॉप पे पीसी पे किसी पे भी कर सकते हैं तो मैं इस प्रोसेस को अपने लैपटॉप पैक करके दिखाने वाला हूँ तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं वीडियो में जो आपको पांचों इंट्रोस देखने को मिला इन पांचों इंट्रोस को मैं आपको कस्टमाइज करके दिखाने वाला हूँ कैसे आप इन पांचों इंट्रोस को कस्टमाइज कर सकते हैं फिर आपको बताऊंगा ये इंट्रोस आपको कहाँ से और कैसे मिलेंगे तो चलिए मैं आप सबसे पहले वॉल्यूम को म्यूट कर लेता हूँ और इस इंट्रो को प्ले करके आपको दिखाता हूँ सबसे पहला ये इंट्रो था तो ये, ये वाला इंट्रो वीडियो सबसे पहले था तो चलिए इस इंट्रो को कस्टमाइज़ करते हैं सबसे पहले आपको यहाँ पे जनरल लिखा हुआ दिख रहा है इस जनरल पे आपको क्लिक करना है जैसे आप जनरल पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे सर्च बार टैक्स यहाँ पे लिखा हुआ है यहाँ पे जो सर्च बार पे दिखता है यहाँ पे एक ही टेक्निकल सपोर्ट मैंने लिखा है यहाँ पे आप देख सकते हैं एक ही टेक्निकल सपोर्ट तो आप यहाँ पे जनरल पे क्लिक करके सर्च बार टैक्स पे क्लिक करके भी एडिट कर सकते हैं या फिर आप वीडियो प्ले करके जब देखोगे इंट्रो वीडियो तो यहाँ पे आपको एक टैक्स का आइकन मिलेगा तो इस वाले टैक्स आइकन भी क्लिक करना है और यहाँ से भी आप एडिट कर सकते हैं और एडिट करने के बाद सेव पे क्लिक कर देना है तो आपको जैसे एडिट करना है आप एडिट कर सकते हैं यहाँ से भी आप लिख सकते हैं टेक्स्ट और यहाँ से भी लिख सकते हैं तो उसी तरीके से आप यहाँ पे फिर वीडियो को प्ले करके देख सकते हैं और नेक्स्ट वाला यहाँ पे टेक्स्ट जितना भी है सारे को आप एडिट कर सकते हैं यहाँ से ठीक है तो यहाँ पे आप देख सकते हैं चारों टेक्स्ट यहाँ पे आ चुका है वेलकम टू ए के टेक्निकल सपोर्ट सब्सक्राइब नाउ अगर आपको यहाँ से एडिट करना है तो यहाँ से भी आप एडिट कर सकते हैं सिंपली आपको यहाँ पे टेक्स्ट वाले आइकन पे क्लिक करना है फिर आपको यहाँ पर टैक्स लिखने का ऑप्शन आ जाएगा तो यहाँ पे आपको जो भी टैक्स लिखना है उस टैक्स को यहाँ पे लिख दो फिर आपको यहाँ पे सेव पे क्लिक कर देना है तो यहाँ से भी आप एडिट कर सकते हैं इन टैक्स को सिंपली आपको यहाँ पे फर्स्ट रिजल्ट पे क्लिक करना है फिर आपको यहाँ पे जो भी टैक्स आप लिखना चाहते हैं उस टैक्स को यहाँ पे लिख देना है फिर आपको सेव पे क्लिक कर देना है फिर आपका टैक्स एडिट हो जाएगा तो चलिए आपको बताते हैं लोगों किस तरह से आप एडिट करेंगे तो यहाँ पे आपको नीचे में एक लोगों का ऑप्शन मिलता है तो यहाँ पे भी आपको लोगों का ऑप्शन मिलेगा और आपको वीडियो पे भी आपको लोगों का ऑप्शन मिलेगा तो यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे वीडियो में भी आपको लोगो अपलोड करने का ऑप्शन मिलता है तो सिंपली आपको यहाँ पे इमेज वाला आइकन पे क्लिक करना है फिर आपको यहाँ पे रिप्लेस इमेज पे क्लिक करना है फिर आपको अपलोड पे क्लिक करना है उसके बाद आपको लोगो सेलेक्ट करना है लोगो सेलेक्ट करने के बाद ओपन पे क्लिक करना है कुछ सेकेंड में ये अपलोड हो जाता है ये लोगो जो है रिप्लेस हो चुका है यहाँ पर आप देख सकते हैं तो अगर आप चाहते हैं इसे क्रॉप करना तो यहाँ से क्रॉप पे क्लिक करके आप क्रॉप कर सकते हैं फिर आपका लोगो यहाँ पे लग जाएगा और यहाँ पे मैंने नीचे में लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब लिखा है तो अगर आप इसे चेंज करना चाहते हैं तो यहाँ पे भी आपको टैगलाइन का ऑप्शन मिलता है सिंपली आपको यहाँ पे टैगलाइन पे क्लिक करना है और फिर आप यहाँ से भी चेंज कर सकते हैं इसे और यहाँ पर भी आप टैगलाइन लाइन पर क्लिक करके इसे चेंज कर सकते हैं टैक्स को अगर आपको टैक्स का कलर चेंज करना है तो आप टैक्स का कलर भी चेंज कर सकते हैं सिंपली आपको यहाँ पर इस वाले कस्टमाइज आइकन पर क्लिक करना है फिर आपको यहाँ पे एडवांस कंट्रोल्स पर क्लिक करना है अगर आपको सर्च बार का कलर चेंज करना है या फिर सर्च बार का टेक्स्ट का कलर चेंज करना है तो सिंपली आपको यहाँ पे सर्च बार पे क्लिक करना है फिर आपको यहाँ पे सर्च बार कलर मिल जाता है अगर आपको सर्च बार का कलर चेंज करना है तो सिंपली आपको यहाँ पे ब्लैक पे क्लिक करना है तो चलिए आपको सर्च बार दिखा देता हूँ फिर आपको बताऊंगा कौन सा कलर चेंज होगा तो यहाँ पे जो मैंने यहाँ पे एक टेक्निकल सपोर्ट लिखा है इसके चारों साइड में यहाँ पे जो ब्लैक कलर आ रहा है तो यहाँ पे आप सर्च बार कलर पे क्लिक करके सर्च बार का कलर चेंज कर सकते हैं अगर आपको टैक्स का कलर चेंज करना है यहाँ पे एक ही टेक्निकल सपोर्ट जो मैंने लिखा है इसका कलर अगर आपको चेंज करना है तो यहाँ पे आपको नीचे ऑप्शन मिलता है सर्च बार टैक्स कलर तो आप सर्च बार टैक्स पे क्लिक करके टैक्स का कलर चेंज कर सकते हैं तो चलिए मैं आपको दोनों का कलर चेंज करके दिखाता हूँ तो सबसे पहले मैं यहाँ पे टैक्स बार का कलर चेंज कर लेता हूँ यहाँ पे ब्लैक कलर है तो इसे मैं ग्रीन कर देता हूँ तो मैंने जो सर्च बार पे टैक्स लिखा है एक ही टेक्निकल सपोर्ट चलिए उसका कलर चेंज करते हैं तो यहाँ पे आपको इस ब्लैक कलर पे क्लिक करना है और फिर आपको इसका कलर चेंज करना है तो यहाँ पे आपको नीचे में छोटा सा एक पॉइंटर दिख रहा होगा इस पॉइंटर को आप जिस साइड ले जाएंगे आपका कलर यहाँ पे चेंज होगा ठीक है तो यहाँ पे सबसे पहले आपको ये वाले पॉइंटर को तो राइट साइड टॉप कॉर्नर पर सबसे पहले आपको ये वाले पॉइंटर को ले आना है फिर आपको नीचे वाले पॉइंटर को लेफ्ट और राइट करके आप जिस भी कलर को सेलेक्ट करना चाहते हैं उस कलर को सेलेक्ट कर लेना है ठीक है तो मैं यहाँ पे एक ही टेक्निकल सपोर्ट जो लिखा हुआ आता है टेक्स्ट बार पे उसे मैं रेड कलर देना चाहता हूँ तो यहाँ पे रेड कलर सेलेक्ट कर दिया हूँ फिर आपको कुछ भी नहीं करना है यहाँ पे कट पे क्लिक करना है फिर आपका टेक्स्ट बार का कलर चेंज हो जाएगा तो आप इसे क्लोज करते हैं तो चलिए अब आपको सर्च रिजल्ट का टैक्स चेंज करके दिखाते हैं चलिए आपको वीडियो दिखाते हैं कौन सा टैक्स आता है आप समझ नहीं पाएंगे तो यहाँ पर जो वेलकम लिखा हुआ है ये है फर्स्ट टैक्स और यहाँ पर जो टू लिखा हुआ है ये है सेकेंड टैक्स और यहाँ पे जो एके टेक्निकल सपोर्ट लिखा है ये थर्ड टेक्स्ट है और सब्सक्राइब नाउ फोर्थ टेक्स्ट है ठीक है तो यहाँ पे आपका फर्स्ट टैक्स सेकेंड टैक्स थर्ड टैक्स फोर्थ टैक्स ये सारे सारे का 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 आप कलर कलर चेंज चेंज कर कर सकते हैं और इन सारे का बॉक्स का कलर भी कर सकते हैं तो चलिए मैं आपको सभी का कलर चेंज करके दिखाता हूँ तो सबसे पहले मैं पे फर्स्ट टैक्स का कलर चेंज कर लेता हूँ तो यहाँ पे ये व्हाइट कलर का टैक्स है यहाँ पे आपको कॉर्नर पे एक छोटा सा पॉइंटर दिख रहा होगा इस पॉइंटर को आपको राइट साइड टॉप कॉर्नर पे ले आना है और फिर आपको यहाँ पे नीचे में एक पॉइंटर दिखेगा इस पॉइंटर को आपको जिस भी कलर पे आपको उस टैक्स को रखना है उस कलर को यहाँ से आपको सेलेक्ट करना है तो आपको जो भी कलर रखना है उस कलर को आप यहाँ सेट कर लो तो यहाँ पे ये वाला कलर रखूंगा मैं का। तो तो वेलकम का तो चलिए इस कलर को सेट करके फिर इसे कट कर देता हूँ तो चलिए अब वेलकम का जो बॉक्स कलर है इसे चेंज करते हैं यहाँ पे पहले से ब्लैक कलर है तो इसे व्हाइट करते हैं ठीक तो है तो यहाँ पे फर्स्ट टैक्स बॉक्स कलर लिखा है तो यहाँ पे ब्लैक कलर है इस पर क्लिक करते हैं तो चलिए इसे वाइट करते हैं यहाँ पे इस पॉइंटर को टॉप लेफ्ट साइड पे ले आता हूँ तो ये वाइट हो जाएगा यहाँ पे आप देख सकते हैं वेलकम का जो यहाँ पे बॉक्स कलर था ये वाइट हो चुका है तो इसी तरीके से आप यहाँ पे सारे टेक्स्ट के कलर चेंज कर सकते हैं बहुत ही आसानी से चलिए यहाँ पे सेकेंड टेक्स्ट का कलर चेंज कर लेते हैं यहाँ पे सेकेंड टेक्स्ट कलर पे क्लिक करते हैं इसे ब्लैक कर देता हूँ तो इसे फुल्ली ब्लैक कर देता हूँ ब्लैक करने के बाद इसका जो बॉक्स कलर है इसका बॉक्स कलर वाइट कर देता हूँ तो यहाँ पे सेकेंड टैक्स बॉक्स कलर पे क्लिक करता हूँ और इसे वाइट कर देता हूँ तो बॉक्स कलर वाइट हो चुका है तो so, अब चलिए यहाँ पे एक ही टेक्निकल सपोर्ट जो मैंने लिखा है इसका कलर चेंज करते हैं तो so, यहाँ पे थर्ड टैक्स कलर पे क्लिक करते हैं और ये पहले से वाइट है तो इसे रेड कर लेते है। हैं यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे रेड हो चुका है चलिए अब थर्ड टैक्स का बॉक्स कलर को चेंज करते हैं तो so, यहाँ पे थर्ड टैक्स बॉक्स कलर यहाँ पे लिखा हुआ है इस पर क्लिक करते हैं और इसका बॉक्स कलर जो है ब्लैक है तो इसे मैं वाइट कर देता हूँ फिर से आप यहाँ पे कोई सा भी कलर को रख सकते हैं आपको जो भी कलर पसंद है सिंपली तो आपको यहाँ पॉइंटर को राइट साइड टॉप पे ले आना है उसके बाद तो आपको नीचे में एक पॉइंटर देख रहा है इस पॉइंटर को जिस साइड ले आएंगे उसी कलर का आपका बॉक्स हो जाएगा तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ग्रीन कलर का ये बॉक्स हो चुका है तो इसे थोड़ा कम कर लेते हैं तो ये कलर चलेगा ठीक है तो इसे मैं रख देता हूँ सब्सक्राइब नाउ का कलर मैंने पहले ही चेंज किया हुआ है तो यहाँ पे आप देख सकते हैं फोर्थ टैक्स कलर यहाँ पे मैंने रेड रखा हुआ है पहले से ही और इसका जो बॉक्स कलर है इसे मैंने वाइट किया हुआ है तो ये एज एट इज में इसे रहने देता हूँ तो चलिए आप टैगलाइन का कलर चेंज कर लेते हैं तो चलिए आपको बताते हैं यहाँ पे लाइक सर एंड सब्सक्राइब जो मैंने यहाँ पे लिखा है इसका कलर कैसे चेंज करना है तो यहाँ पे आपको बैकग्राउंड टैगलाइन एंड इफेक्ट्स पे क्लिक करना है फिर आपको थोड़ा सा नीचे जाना है यहाँ पे आपको इसे थोड़ा सा नीचे ले आना है तो चलिए इस टैक्स का कलर रेड कर देते हैं सबसे पहले इस पॉइंटर को राइट साइड टॉप कॉर्नर पर ले आते हैं फिर नीचे वाले पॉइंटर को राइट या लेफ्ट साइड किसी भी आप ला सकते हैं। फिर आपके टेक्स का कलर जो है रेड हो जाएगा रेड हो चुका है तो अब आपको में आपको यहाँ पे प्रोड्यूस वीडियो का एक ऑप्शन मिलता है इस पे क्लिक करना है और फिर से आपको यहाँ पे प्रोड्यूस पे क्लिक करना है फिर आपका वीडियो का रेंटरिंग स्टार्ट हो जाएगा यहाँ पे जैसे हंड्रेड परसेंट हो जाएगा तो आपका वीडियो बन के रेडी हो जाएगा तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मेरा जो वीडियो है यहाँ पे रेडी हो चुका है तो यहाँ पे प्ले वाले बटन पे क्लिक करके आप वीडियो को <rico pace> तो यहाँ पे आप देख सकते हैं वीडियो यहाँ पे प्ले हो चुका है जिससे मैंने म्यूट कर दिया है तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इसका कलर चेंज हो चुका है तो इस तरीके से आप बहुत ही आसानी से कस्टमाइज कर सकते हैं इस इंट्रो वीडियो को तो इस वीडियो को डाउनलोड करने के लिए सिंपली आपको यहाँ पे शेयर और डाउनलोड पे क्लिक करना है और फिर आपको यहाँ पे शेयर और डाउनलोड का ऑप्शन मिलेगा नीचे में तो इस पर आपको क्लिक करना है और फिर आपको यहाँ पर डाउनलोड पर क्लिक करना है फिर आपका एक जिप फाइल यहाँ पर डाउनलोड होगा तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जिप फाइल डाउनलोड हो चुका है तो इसे सेव लेते तो इस कर लेते हैं तो चलिए इस जिप फाइल को एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं राइट क्लिक करता हूँ फाइल पे फिर यहाँ पे एक्सट्रैक्ट फाइल पे क्लिक कर लेता हूँ फिर आपको यहाँ पे ओके पे क्लिक करके एक्सट्रैक्ट कर लेना है चलिए आप चलते हैं फाइल पर डाउनलोड पे चलते हैं इसे फुल कर लेते हैं यहाँ पे प्रोजेक्ट फाइव ये वाला है ठीक है यहाँ पे चलिए इस वीडियो को प्ले कर लेते हैं डबल क्लिक करते हैं यहाँ पे ये यह प्ले हो चुका है तो यहाँ पे ये लोगो आ रहा है इस लोगो को रिमूव करने का भी आपको तरीका बताने वाला हूँ ठीक है तो आप यहाँ से लोगो को रिमूव भी कर सकते हैं तो इस वीडियो में आप बने रहिए इस वीडियो को लास्ट में आपको बताऊँगा कैसे आप लोगों को रिमूव कर सकते हैं अभी और भी वीडियोस हैं जिसे कस्टमाइज़ करके आपको दिखाना है तो ये तो रहा फर्स्ट वीडियो जिसे आप कस्टमाइज करके डाउनलोड कर सकते हैं बहुत ही आसानी से तो चलिए आप सेकेंड वीडियो कस्टमाइज़ करके दिखाते हैं तो यहाँ पर सेकेंड इंट्रो वीडियो है जिसे आप कस्टमाइज़ कर सकते हैं बहुत ही आसानी से तो सबसे पहले चलिए इसे प्ले करके दे देख लेते हैं यहाँ पे वॉल्यूम को म्यूट कर देता हूँ तो कुछ इस तरह का आपका इंट्रो दिखेगा तो इसे आप बहुत ही आसानी से कस्टमाइज कर सकते हैं सिंपली आपको यहाँ पे जनरल वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है और यहाँ पे आपको लोगो का ऑप्शन मिलता है सिंपली आपको यहाँ पे लोगो पे क्लिक करना है और यहाँ पे आपको अपना लोगो ऐड कर देना है और यहाँ पे आप इस वाले इमेज पे क्लिक करके भी आप लोगों को ऐड कर सकते हैं तो चलिए आप आपको बताते हैं कि इस तरह का लोगो किस तरह से आप बना सकते हैं तो यहाँ पे आप जैसे क्रॉप पे क्लिक करते हैं यहाँ पे आपको साइज यहाँ पे आपको पहले ही पता चल जाएगा तो यहाँ पे मैं पहले से बना लिया हूँ लोगों को तो यहाँ पे क्रॉप पे क्लिक करना पड़ता है मुझे यहाँ पे साइज दिख रहा है ठीक है तो आपको यहाँ पे पहले ही साइज दिख जाएगा जैसे आप यहाँ पे लोगो पे क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ आप साइज दिख जाएगा तो आपको उसी साइज का लोगो बना लेना है तो चलिए आपको बताते हैं इस तरह का लोगो आप किस तरह से बना सकते हैं यहाँ पे आप देख सकते हैं हाइट 610 है और मृत 1220 है तो आपको 610 पिक्सल बाय 1220 पिक्सल का लोगो बनाना है तो कैसे बनाना है चलिए आपको बताते हैं सबसे पहले ब्राउजर पर आपको कैनवा लिखना है फिर आप कैनवा डॉट कॉम ऑफिशियल वेबसाइट पर पहुंचाओगे फिर आपको यहाँ पे कस्टम साइज का ऑप्शन मिलेगा इस पर क्लिक करना है अगर आपको यहाँ पे कस्टम साइज का ऑप्शन नहीं मिलता है तो यहाँ पे आपको क्रिएट ए डिज़ाइन पर क्लिक करना है फिर आपको नीचे यहाँ पे कस्टम साइज का ऑप्शन मिल जाएगा तो इस पे क्लिक करना है और फिर आपको यहाँ पे विर्थ और हाइट को एंटर करना है तो चलिए आप चलते हैं इंट्रो वीडियो पे तो यहाँ पे 610 पिक्सल बाय 1220 पिक्सल है चलते कैनवा वाले वेबसाइट पे और यहाँ पे एंटर कर देते हैं 1220 और हाइट यहाँ पे 610 एंटर कर देते हैं यहाँ पे साइड पे आपका पी एक्स लिखा हुआ रहना चाहिए पिक्सल यहाँ पे आपको दूसरा इंच विंच यहाँ पे सिलेक्ट नहीं रहना चाहिए यहाँ पे पी एक्स रहना चाहिए ठीक है फिर आपको यहाँ पे क्रिएट न्यू डिज़ाइन पे क्लिक करना है और उसके बाद आपको तो यहाँ पे अपलोड पे क्लिक करना है फिर आपको यहाँ पे अपलोड मीडिया पे क्लिक करना है और आपका लोगो को अपलोड कर लेना है ठीक है तो यहाँ पे आपको डायरेक्टली यहाँ पे फाइल आपका ओपन नहीं होगा आपको साइन इन करना पड़ेगा केनवा वाले वेबसाइट पे तो ये वेबसाइट बहुत ही जेनवन वेबसाइट है तो आप इस वेबसाइट पे साइन इन कर सकते हैं अपने गूगल अकाउंट से साइन इन कर लेना कैनवा वाले वेबसाइट पे फिर आप कैनवा वेबसाइट को फ्री में एक्सेस कर सकते हैं लाइफ टाइम तक साइनअप करने के बाद अपलोड मीडिया पर क्लिक करना है फिर आपको यहाँ पे अपना लोगो को अपलोड करना है यहाँ से आपको अपना लोगो को सेलेक्ट करना है सेलेक्ट करने के बाद ओपन पे क्लिक करना है फिर आपका लोगो अपलोड हो जाएगा तो ये लोगो यहाँ पे अपलोड हो चुका है तो लोगो अपलोड करने के बाद यहाँ पे आपको सेंटर पे लोगो को ले आना है कैनवा वेबसाइट का एक खासियत है यहाँ पर आप लोगों को जैसे ट्रैक करोगे तो यहाँ पर आपको लाइन्स दिख जाएंगे फिर आप यहाँ से लोगों को फिक्स कर सकते हो बहुत ही आसानी से तो यहाँ पे सेंटर पे ये लोगो फिक्स हो चुका है तो अब आपको यहाँ पे टैक्स को ऐड करना है तो यहाँ पे मैंने ये डिज़ाइन वाला टैक्स लिखा है तो आप इस तरह का टैक्स लिख सकते हैं बहुत ही आसानी से तो चलिए अब आप आपको बताते हैं यहाँ पर इस तरह का टैक्स किस तरह से आप लिखेंगे तो यहाँ पर आपको किनवा वेबसाइट पर लोगो अपलोड करना है लोगो अपलोड करने के बाद दूसरे वेबसाइट पर आपको आ जाना है इस वेबसाइट का नाम है फ्लेमिंग टैक्स डॉट कॉम जैसे आप गूगल पर सर्च करेंगे फ्लेमिंग टैक्स डॉट कॉम तो आप इस वेबसाइट पर पहुँच जाओगे फिर आपको यहाँ पे अपना चैनल का नाम एंटर करना है तो मैंने यहाँ पे पहले से एक ए के टेक्निकल सपोर्ट एंटर किया था तो यहाँ पे सजेशन में एक ए के टेक्निकल सपोर्ट यहाँ पे आ रहा है तो इसे सेलेक्ट कर लेता हूँ फिर आपको यहाँ पे गेट स्टार्टेड पे क्लिक करना है फिर आपको यहाँ पे लोगों के बहुत सारे डिजाइन मिल जाएंगे आप जिस भी डिज़ाइन को रखना चाहते हैं उस डिजाइन को आप यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं या फिर आपको नीचे में फिर नेक्स्ट करने का ऑप्शन मिलता है आप यहाँ पे नेक्स्ट करके भी और भी बहुत सारे लोग को देख सकते हैं यहाँ पे नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पे बहुत सारे और भी लोगों मिल जाएंगे तो नेक्स्ट पे क्लिक कर करके आप बहुत सारे लोग उसको देख सकते हैं और उनमें से जो भी लोग आपको पसंद आता है उस लोगों को आप रख सकते हैं तो चलिए चलते हैं प्रीव्यू पे तो मैंने जो वीडियो पे लोगो डाला था ये वाले लोगो था तो इसे सेलेक्ट कर लेते हैं अगर आपको इस लोगो को एडिट करना है तो यहाँ पे आपको एडिट लोगो पे क्लिक करना है अगर आपको इस लोगो को एडिट नहीं करना है तो डन पे क्लिक करना है तो यहाँ पे एडिट लोगो पे क्लिक करते हैं फिर आप यहाँ से लोगों को एडिट कर सकते हैं तो यहाँ से आप टैक्स को एडिट कर सकते हैं यहाँ पे अगर आप टैक्स एड करना चाहते हैं तो यहाँ पे आप टैक्स एड कर सकते हैं अगर आप फॉन्ट का साइज चेंज करना चाहते हैं तो यहाँ पे आपको 95 लिखा हुआ है इस पर क्लिक करना है और यहाँ पे आपको जितना साइज चाहिए उतना साइज को से आपको सेलेक्ट कर लेना है अगर आप टैक्स का फॉन्ट चेंज करना चाहते हैं तो यहाँ पे आपको फॉन्ट का बॉक्स दिख रहा है इस बॉक्स पे क्लिक करना है फिर आपको यहाँ पे बहुत सारे फॉन्ट्स मिल जाएंगे आप जिस भी फॉन्ट को रखना चाहते हैं उस फॉन्ट को आप यहाँ सेलेक्ट कर लेना यहाँ पे आपको थ्री डी भी मिल जाते हैं यहाँ पे आप थ्री डी फॉन्ट्स क्लिक करेंगे यहाँ पे आपको बहुत सारे थ्री डी मिल जाएंगे आप इन फॉन्ट्स को भी यूज कर सकते हैं अगर आप लोगों का कलर चेंज करना चाहते हैं तो सिंपली आपको यहाँ पे लोगो पे क्लिक करना है फिर आपको यहाँ पे तीन ऑप्शंस मिलेगा कलर पैटर्न ग्रेडियंट यहाँ पे पहले से कलर सेलेक्ट है इसमें आपको नॉर्मल कलर्स मिलेंगे यहाँ पे आपको सिंपली कलर वाले बॉक्स पे क्लिक करना है फिर आपको यहाँ पे बहुत सारे कलर्स मिल जाएंगे आप जिस भी कलर को रखना चाहते हैं उस कलर को यहाँ से आप सेलेक्ट कर सकते हैं तो आप टेक्स्ट में जिस भी कलर को रखना चाहते हैं उस कलर को यहाँ से आपको सिलेक्ट कर लेना है तो यहाँ पे आप पैटर्न कलर भी सिलेक्ट कर सकते हैं पैटर्न पे क्लिक करना है फिर आपको यहाँ पे इस बॉक्स पे क्लिक करना है फिर आपको यहाँ पे बहुत सारे पैटर्न क्लस मिल जाएंगे तो आप इसे सेलेक्ट करके पैटर्न क्लस को चेंज कर सकते हैं चलिए मैं आपको दिखाता हूँ ये वाला कलर को सेलेक्ट करके तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कुछ इस तरह का कलर दिख रहा है टैक्स पे तो इसी तरीके तो 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 से अगर आपको ग्रेडियंट कलर रखना है तो यहाँ पे आपको ग्रेडियंट पे सलेक्ट करना है फिर आपको यहाँ पे इस बॉक्स पे क्लिक करना है और यहाँ पे आपको बहुत सारे ग्रेडियंट कलर्स मिल जाएंगे इन कलर्स को आपको सेलेक्ट करना है फिर आपको टैक्स में ग्रेडियंट कलर लग जाएगा तो चलिए यहाँ पे पैटर्न पे क्लिक करते हैं पैटर्न वाला भी टैक्स काफ़ी अच्छा है तो पैटर्न वाले टेक्स्ट को ही सेलेक्ट कर लेते हैं ठीक है अगर आप शेडो का कलर चेंज करना चाहते हैं तो यहाँ पर सिंपली आपको शेडो पे क्लिक करना है यहाँ पे आपको शेडो के टाइप्स भी देखने को मिल जाएंगे यहाँ पे देख सकते हैं आप ड्रॉप वाले जो शेडो होता है वो भी आप यहाँ से ऐड कर सकते हैं रिफ्लेक्शन वाला भी शेडो आप ऐड कर सकते हैं यहाँ से और अगर आपको यहाँ पे ग्लो शेडो को ऐड करना है तो यहाँ पे ग्लो पे क्लिक करना है अगर आप शेडो का कलर चेंज करना चाहते हैं तो सिंपली आपको यहाँ पे कलर वाले बॉक्स पर क्लिक करना है और फिर आपको यहाँ पे कलर्स मिल जाएंगे इसे आप चेंज कर सकते हैं यहाँ से इस लाइन को आप जिस भी कलर पर ले जाओगे उस कलर का शेडो ऐड हो जाएगा अब चलते हैं बैकग्राउंड पे अगर आप लोगो को ट्रांसपेरेंट पे रखना चाहते हैं तो यहाँ पे आपको ट्रांसपेरेंट पे क्लिक करना है फिर आपका लोगो ट्रांसपेरेंट हो जाएगा फिर आपके लोगों का बैकग्राउंड हट जाएगा अगर आप लोगों का साइज चेंज करना चाहते हैं तो यहाँ पर आपको इमेज पर क्लिक करना है और फिर आपको यहाँ पर फिक्सड साइज लिखा हुआ है इस पर ये ऑफ है पहले से तो इसे आपको ऑन कर लेना है ऑन करके आपको यहाँ पर यहाँ पर आप विर्थ और हाइट एंटर करके लोगों का साइज को चेंज कर सकते हैं तो इसे मैं ऑफ कर देता हूँ तो लोगों को एडिट करने के बाद डन पे क्लिक करना है फिर आपको डाउनलोड पे क्लिक करना है फिर आपको इसे सेव कर लेना है तो यहाँ पे लोगो सेव हो चुका है तो लोगो डाउनलोड करने के बाद फिर से आपको यहाँ पे कैनवा वाली वेबसाइट पे चले जाना है और फिर आपको यहाँ पे अपलोड मीडिया पे क्लिक करना है और उसके बाद आपको यहाँ पे लोगो को सेलेक्ट कर लेना है फिर ओपन पे क्लिक करना है फिर आपका लोगो यहाँ पे अपलोड हो जाएगा यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे लोगो अपलोड हो चुका है तो चलिए इस लोगो को डिलीट कर देते हैं पहले राइट क्लिक करते हैं माउस पे फिर यहाँ पे डिलीट पे क्लिक करते हैं ये लोगो डिलीट हो चुका है तो चलिए यहाँ पर नया वाला जो लोगो है इस लोगो को ऐड कर लेते हैं इस लोगो पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पर लोगो ऐड हो चुका है लोगो ऐड करने के बाद डाउनलोड पे क्लिक करना है और फिर से आपको यहाँ पर डाउनलोड पे क्लिक करना है तो लोगो डाउनलोड करने के बाद फिर से आपको इंट्रो वाली वेबसाइट पे चले जाना है और फिर आपको इसे कट कर देना है और यहाँ पे रिप्लेस इमेज लिखा हुआ है इस पर क्लिक करना है फिर आपको पे अपलोड पे क्लिक करना है और फिर आपको यहाँ पे लोगो सेलेक्ट करना है जो आपने अभी भी बनाया है लोगो सेलेक्ट करने के बाद ओपन पे क्लिक करना है फिर यहाँ पे, पे कुछ सेकंड्स लगेगा और लोगो आपका अपलोड हो जाएगा यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे लोगो अपलोड हो चुका है लोगो अपलोड करने के बाद इसे कट कर देना है फिर आपको यहाँ पे प्रोड्यूस वीडियो पे क्लिक करना है और फिर से आपको यहाँ पे प्रोड्यूस पे क्लिक करना है तो यहाँ पे आपका इंट्रो वन के रेडी हो चुका है तो चलिए इसे प्ले करके देखते हैं कैसे दिखता है ये तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कुछ इस तरह का इंट्रो आपका दिखेगा तो ये भी काफ़ी अच्छा इंट्रो है इसे आप यूज़ कर सकते हैं अपने चैनल के लिए तो इसे डाउनलोड करने के लिए फिर से आपको यहाँ पे शेयर और डाउनलोड पर क्लिक करना है फिर आपको यहाँ पे शेयर एंड डाउनलोड पर क्लिक करना है फिर आपको यहाँ पे डाउनलोड पर क्लिक करके इसे डाउनलोड कर लेना है तो ये भी जीप फाइल में डाउनलोड होगा तो इसे आपको सेव कर लेना है तो यहाँ पर ये डाउनलोड हो चुका है तो चलिए अब आपको बताते हैं तीसरा इंट्रो जो मैंने बनाया था वो इंट्रो किस तरह से आप बना सकते हैं चलिए इस इंट्रो को प्ले कर लेते हैं इसका साउंड मैंने म्यूट कर दिया है तो कुछ इस तरह का इंट्रो दिखेगा आपको तो इस इंट्रो को भी आप सेम प्रोसेस से, प्रोसे से कस्टमाइज कर सकते हैं सिंपली आपको यहाँ पे लोगो पे क्लिक करना है जैसे ही आप लोगो पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको लोगो का साइज दिख जाएगा अभी मैंने इसमें लोगो अपलोड किया हुआ है इसलिए यहाँ पे साइज नहीं दिख रहा है तो अभी मैं यहाँ पे क्रॉप पे क्लिक करूंगा तो यहाँ पे लोगो का साइज दिख जाएगा यहाँ पे आप देख सकते हैं इसका हाइट जो है चार पिक्सल का हाइट है और एक पिक्सल का वेथ है ठीक है तो ये हाइट और वेथ का साइज है इसी साइज का आपको लोगो बनाना है तो फिर से आपको यहाँ पे केनवा वाली वेबसाइट पे चले जाना है और फिर से आपको यहाँ पे होम पे क्लिक करना है और फिर से आपको यहाँ पे कस्टमाइज साइज पे क्लिक करना है और यहाँ पे आपको विर्थ और हाइट को एंटर करना है ठीक है तो इसका जो विर्थ था एक हज़ार पिक्सल और हाइट जो था चार सौ पचास पिक्सल फिर आपको क्रिएट न्यू डिज़ाइन पे क्लिक करना है और फिर आपको यहाँ पे अपलोड पे क्लिक करना है तो यहाँ पे आपको लोगो को फिर से बना लेना है लोगो पे क्लिक करना है और इसे आपको सेंटर पे ले आना है ठीक है अगर आप लोगो बनाना नहीं चाहते हैं पहले जो आपने लोगो बनाया था उस लोगो को आप रिसाइज करना चाहते हैं तो आपको एक वेबसाइट पे चले जाना है पिक्सल ठीक है मैं यहाँ पर न्यूट्यूब ओपन कर लेता हूँ तो आपको सर्च बार पे लिखना है पिक्सल जैसे आप पिक्सल लिखेंगे तो आप इस वेबसाइट पर जाओगे फिर आपको यहाँ पे ओपन इमेज पे क्लिक करना है और आपने जो लोगो बनाया था उस लोगो को यहाँ सेलेक्ट कर लेना है फिर ओपन कर लेना है फिर आपको यहाँ पे इमेज पे क्लिक करना है और यहाँ पे इमेज साइज का ऑप्शन आएगा इस पर क्लिक करना है और उसके बाद आपको यहाँ पे दोनों को अंटिक कर देना है पहले फिर आपको यहाँ पे साइज लिखना है ठीक है तो यहाँ पे एक हज़ार विथ था एक हज़ार लिख देता हूँ चार सौ पचास हाइट था वर्थ और हाइट एंटर करने के बाद अप्लाई पे क्लिक करना है फिर आपका लोगो रेडी हो जाएगा तो यहाँ पे आप देख सकते हैं लोगो रिसर्च करने के बाद थोड़ा अलग से दिखता है और अगर आप लोगो बनाते हो खुद से तो यहाँ पर आप देख सकते हैं किस तरह से आपका लोगो दिखता है तो रिसाइज करने से ज़्यादा बेटर रहेगा आप बना लो लोगो तो ज़्यादा अच्छा रहेगा अगर आप रिसार्ज करके करना चाहते हैं तो यहाँ पे रिसार्ज कर लेना फिर आपको यहाँ पे फाइल पे क्लिक करना है और फिर आपको यहाँ पे सेव पे क्लिक करना है और यहाँ पे आपको पी एन सेलेक्ट कर लेना है फिर आपको डाउनलोड पे, पे, पे क्लिक करना है और फिर आपको सेव कर लेना है आपका लोगो फिर डाउनलोड हो जाएगा तो मेरे हिसाब से आप कैनवा वेबसाइट से यह बनाओ ज़्यादा बेटर रहेगा तो लोगो बनाने के बाद आपको डाउनलोड कर लेना है डाउनलोड करने के बाद सेव कर लेना है फिर आपको जाना है इंट्रो वाले वेबसाइट पर इसे कट कर देते हैं और यहाँ पर आपको रिप्लेस इमेज पर क्लिक करना है फिर आपको अपलोड पर क्लिक करना है और आपने जो यहाँ पे लोगो बनाया इस लोगो को सिलेक्ट कर लेना है फिर आपको ओपन पे क्लिक कर देना है फिर आपका लोगो कुछ ही सेकंड पे यहाँ पे अपलोड हो जाएगा तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मेरा लोगो जो है अपलोड हो चुका है तो लोगो अपलोड करने के बाद यहाँ पे आपको टैगलाइन पे जो भी आपको लिखना है वो आप लिख सकते हैं यहाँ से यहाँ पे मैंने टैगलाइन पे लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब लिखा है आपको जो भी लिखना है वो आप लिख लेना तो टैगलाइन पे टैक्स लिखने के बाद प्रोड्यूस वीडियो पे क्लिक करना है फिर से आपको यहाँ पे प्रोड्यूस पे क्लिक करना है तो ये वीडियो अभी एंट्रिंग हो चुका है तो चलिए इस इंट्रो वीडियो को प्ले करके देखते हैं प्ले वाले बटन पर क्लिक करते हैं वॉल्यूम को म्यूट कर देते हैं तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कुछ इस तरह का आपका इंट्रो वीडियो देखेगा तो सेम प्रोसेस आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं शेयर एंड डाउनलोड पर क्लिक करना है और फिर से आपको यहाँ पे नीचे में शेयर एंड डाउनलोड का ऑप्शन मिलेगा इस पर क्लिक करना है फिर आपको यहाँ पे डाउनलोड पर क्लिक करना है और फिर से आपका एक जी फाइल डाउनलोड हो जाएगा फिर से उसको सेव कर लेना है तो यहाँ पे ये जीप फाइल जो है सेव हो चुका है तो चलिए आप आपको बताते हैं नंबर फोर में जो मैंने इंट्रो रखा था उस इंट्रो को कैसे आप कस्टमाइज़ कर सकते हैं तो नंबर फोर में जो मैंने इंट्रो रखा था वो इस वेबसाइट का इंट्रो है इस वेबसाइट का नाम है इन जैसे आप गूगल पर सर्च करेंगे इन तो आप इस वेबसाइट पर पहुँच जाओगे आप इन सभी वेबसाइट पर साइनअप करने के लिए टैम मेल का यूज़ कर सकते हैं बहुत ही ईजिली टैम मेल से साइनअप हो जाता है चलिए इस वीडियो को प्ले करके दिखाते हैं पहले वॉल्यूम को कम कर लेते हैं चलिए इस इंट्रो को प्ले करके देख लेते हैं तो कुछ इस तरह का ये इंट्रो बनेगा तो अगर आप इस तरह का इंट्रो बनाना चाहते हैं तो आप इजिली बना सकते हैं आप यहाँ पे वाटर मार्क का टेंशन लो इंट्रो पे जो वाटर मार्क आता है इसे कैसे रिमूव करना है ये भी आपको बताने वाला हूँ तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना तो चलिए आपको बताते हैं इस इंट्रो को किस तरह से आपको कस्टमाइज करना है तो सबसे पहले आपको इस वेबसाइट पर पे टैम पेल से साइनअप कर लेना है साइनअप करने के बाद यहाँ पे अपलोड पर क्लिक करना है फिर आपको यहाँ पे अपलोड मीडिया पर क्लिक करके अपने लोगों को अपलोड कर लेना है ठीक है लोगो अपलोड करने के बाद सबसे पहले आपको यहाँ पे इस वाले लोगो पे क्लिक करना है और फिर आपको यहाँ पे अपलोड वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है और फिर आपको अपना लोगो को ड्रैग करके इस वाले छोटे लोगों के पास ला छोड़ देना है फिर आपका लोगो यहाँ पे ऐड हो जाएगा ठीक है तो फिर आपको यहाँ पे वीडियो को थोड़ा सा फॉरवर्ड करके सेंटर पे ले आना है यहाँ पे जो मैंने बीच में लोगो लगाया है इस लोगो को अगर आपको चेंज करना है तो सेम प्रोसेस आपको फिर से करना है फिर से आपको अपलोड वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है और यहाँ से आपको फिर से इस लोगो को ड्रैग करके सेंटर में ला करके छोड़ देना है ठीक है और यहाँ पे आपको रिप्लेस पे क्लिक करना है फिर आपका लोगो यहाँ पे ऐड हो जाएगा और यहाँ पे आपको टैक्स चेंज करना शायद आता ही होगा अगर नहीं आता है तो यहाँ पे टैक्स पे आपको डबल क्लिक करना है और यहाँ पे आपका सारा टैक्स सेलेक्ट कर लेना है सेलेक्ट करने के बाद आपको जो भी लिखना है यहाँ पे आप लिख सकते हैं अगर आप टैक्स पे डबल क्लिक नहीं कर पा रहे हैं तो यहाँ पे आपको ऊपर में टैक्स का ऑप्शन मिलता है टैक्स पे क्लिक करना है और फिर आपको यहाँ पे टैक्स लिखना है ठीक है यहाँ पे मैंने एक ही टेक्निकल सपोर्ट लिखा है तो आपका चैनल का जो भी नाम है वो आप लिख सकते हैं या फिर आपको जो भी लिखना है लाइक्स या कमेंट वो भी आप लिख सकते हैं टेक्स्ट लिखने के बाद आपको सेव पे क्लिक कर देना है फिर आपका टैक्स सेव हो जाएगा अगर आप टैक्स का कलर चेंज करना चाहते हैं तो यहाँ पर आपको टैक्स सेलेक्ट कर लेना है टैक्स सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे आपको ए लिखा हुआ है यहाँ पर टैक्स कलर है इस पर क्लिक करना है फिर आपको यहाँ पर टैक्स का कलर सेलेक्ट करना है आप जिस भी कलर को सेलेक्ट करोगे उस कलर में टैक्स चेंज हो जाएगा तो अगर आपको फोन सेज करना तो यहाँ पे को फोन मिल जाते हैं बहुत सारे फोन आपको यहाँ पे मिल जाएंगे तो उस फोन को आप सेलेक्ट कर सकते हो और यहाँ से भी आप रिसाइज कर सकते हो टैक्स को और यहाँ पे भी आपको फोन साइज का ऑप्शन मिलता है यहाँ से भी आप साइज को चेंज कर सकते हैं अगर आपको इंट्रो के लास्ट में सोशल मीडिया का आइकनस को ऐड करना है तो आप कैसे करोगे यहाँ पे आपको साइड पे आ जाना है और यहाँ पे आपको टैक्स का ऑप्शन मिलता है टैक्स पे क्लिक करना है फिर आपको स्क्रॉल करके नीचे आना है और यहाँ पे आपको सोशल मीडिया क्रेडिट्स मिलेगा इस पर क्लिक करना है और फिर आप यहाँ से इंस्टाग्राम का आईडी ऐड करना चाहते हैं तो इंस्टाग्राम का आईडी ऐड कर सकते हैं वीडियो के लास्ट पे चलिए मैं आपको ऐड करके दिखाता हूँ तो मैं यहाँ पे इंस्टाग्राम का एक आईडी ले लेता हूँ और एक फेसबुक का ले लेता ले हूँ तो चलिए मैं यहाँ पे ये वाला यूट्यूब बटन ऐड कर लेता हूँ अगर आप यहाँ पे सब्सक्राइब बटन वाला इमेज ऐड करना चाहते हैं तो यहाँ पे आपको इमेज पे क्लिक करना है और यहाँ पे आपको सर्च करना है सब्सक्राइब सब्सक्राइब लिखने के बाद सर्च कर लेना है फिर आपको यहाँ पे बहुत सारे इमेज मिल जाएंगे जिसे आप यूज कर सकते हैं तो चलिए अब यहाँ पे एडिट करते हैं ये सारा जितना भी मैंने ऐड किया है ये बटन्स को एडिट करते हैं फिर आपको एक काम करना है यहाँ पे आपको टाइम सेट करना है यहाँ पे इंस्टाग्राम का आईडी आपका कब दिखना चाहिए वो टाइम आपको यहाँ पे सेट करना पड़ेगा टोटल वीडियो आपको यहाँ पे कितना सेकंड का है टोटल वीडियो यहाँ पे दस सेकंड का है तो आपको यहाँ पे लास्ट में दिखाना है इंस्टाग्राम का आई मतलब यहाँ पे चाहिए ठीक है आठ सेकंड में तो आठ सेकंड में आपको इंस्टाग्राम का आईडी चाहिए तो आपको यहाँ पे आठ सेकंड में प्ले हेड को ले आना है और यहाँ पे आपको टाइम लाइन पर क्लिक करना है टाइम लाइन पर क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको एक एक करके सबको सेलेक्ट करना है तो यहाँ पे सबसे पहले आप इसे सेंटर कर लो तो यहाँ पर मैं इसे आठ सेकेंड पर रख देता हूँ तो यहाँ पर प्ले हेड के पास ले आना है और इसे छोड़ देना है ठीक है उसी तरीके से उस आपको यहाँ पर फेसबुक वाला भी सिलेक्ट करना है और इसे भी आपको यहाँ पर हेड के पास रख देना है उसी तरीके से आपको तीसरा सिलेक्ट करना है इंस्टाग्राम वाला और इसे भी आपको प्ले हेड के पास लगाकर छोड़ देना है तो चलिए आप वीडियो को प्ले करके देखते हैं किस तरह से दिखता है तो आप आपको बताते हैं यहाँ पे इंस्टाग्राम का जो आपने आईडी ऐड आड़ किया है इसे आप किस तरह से एडिट कर सकते हैं तो चलिए अब आप आपको बताते हैं इसे थोड़ा सा नीचे कर लेते हैं तो यहाँ पे आपको डबल क्लिक करना है तो यहाँ पे आप डबल क्लिक करके भी इसे एडिट कर सकते हैं अदरवाइज़ आपको यहाँ पे इंस्टाग्राम को सिलेक्ट करना है फिर आपको यहाँ पे टैक्स पे क्लिक करना है और यहाँ पे अपना आईडी डी आप यहाँ पर एड कर दो आईडी ऐड करने के बाद सेव पे क्लिक करना है तो चलिए मैं यहाँ पे अनुज लिख देता हूँ तो अपना आईडी लिखने के बाद सेव पे क्लिक कर देना है फिर आपका आईडी सेव हो जाएगा उसी तरीके से आप यहाँ पे फेसबुक का भी ऐड कर सकते हैं फेसबुक को सिलेक्ट करना है फिर आपको यहाँ पे टेक्स पे क्लिक करना है फिर आपको यहाँ पे अपना आईडी एंटर करना है तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पे अनुज लिखा है तीनों में तो यहाँ पे अनुज आ चुका है तो आपका जो भी आईडी है तो वो आईडी आप लिख सकते हैं तो ये सारा चीज़ कस्टमाइज करने के बाद डाउनलोड एंड सैर पर क्लिक करना है फिर आपको यहाँ पर एक्सपोर्ट पर क्लिक करना है फिर यहाँ पर वीडियो लोडिंग होगा फिर आपका वीडियो यहाँ पे रेंडर होना स्टार्ट हो जाएगा तो चलिए इसे डाउनलोड कर लेते हैं डाउनलोड करने के लिए यहाँ पे डाउनलोड पे क्लिक करना है फिर आपका यहाँ पे वीडियो प्ले हो जाएगा आपके ब्राउजर पे। अगर आप मोबाइल फ़ोन से ये प्रोसेस कर रहे हैं तो आपको सिंपली यहाँ पे वीडियो पे क्लिक करके -कर रखना है और आपको डाउनलोड का ऑप्शन आ जाएगा अगर आप लैपटॉप से या इसी से ये प्रोसेस कर रहे हैं तो आपको माउस पर राइट क्लिक करना है और फिर आपको यहाँ पर सेव वीडियो आज पर क्लिक करना है और आपको इसे सेव कर लेना है यहाँ पे आप देख सकते हैं वीडियो जो है सेव हो चुका है तो चलिए अब आपको बताते हैं लास्ट इंट्रो के बारे में तो ये वो लास्ट इंट्रो है तो इससे पहले मैं म्यूट कर लेता हूँ यहाँ पे आप देख सकते हैं कुछ इस तरह का इंट्रो दिखता है तो ये इंट्रो बहुत ही सिंपल इंट्रो है फ्रेंड्स आप बहुत ही ईजिली इस इंट्रो को बना सकते हैं सिंपली आपको यहाँ पर लोगो एंड टैगलाइन पर क्लिक करना है और यहाँ पे आपको लोगो पे क्लिक करके लोगो को अपलोड करना है और यहाँ पे आप टैगलाइन पे जो भी लिखना चाहते हैं उसे आप लिख सकते हैं यहाँ से या फिर आप यहाँ से भी लोगो को अपलोड कर सकते हैं और यहाँ से भी आप टैगलाइन पे लिख सकते हैं जो भी आपको लिखना है मैंने जैसे यहाँ पे लाइक एंड कमेंट लिखा है तो आपको जो भी लिखना है वो लिख सकते हैं तो चलिए मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पे लोगो किस तरह से आपको ऐड करना है तो यहाँ पे लोगो पे क्लिक करना है तो चलिए इस लोगो का साइज देख लेते हैं क्रॉप पे क्लिक करते हैं और यहाँ पे आप इस लोगो का साइज देख सकते हैं तीन पिक्सल का ये हाइट है और वर्थ है बारह पिक्सल का तो आपको तीन बाय बारह पिक्सल का लोगो बनाना है तो फिर से आपको जाना है केनवा वाले वेबसाइट पे और फिर से आपको यहाँ पे कस्टमाइज साइज पे क्लिक करना है और यहाँ पे आपको वर्थ लिखना है बारह था वृथ बारह और हाइट था तीन एक बार देख लेते हैं कन्फर्मेशन के लिए यहाँ पे आप देख सकते हैं बारह सौ अस्सी तीन सौ तिहत्तर ठीक है तो यहाँ पे आपको विर्थ हाइट एंटर करने के बाद क्रिएट न्यू डिज़ाइन पे क्लिक करना है अपलोड पे क्लिक करना है फिर आपको यहाँ पे लोगो सेलेक्ट कर लेना है फिर आपको यहाँ पे सेंटर कर लेना है इसे ठीक है फिर आपको यहाँ पे टैक्स सेलेक्ट करना है सेंटर कर लेना है इसे आपको बड़ा कर लेना है ठीक है तो आपको इसे सेव कर लेना है तो चलिए चलते हैं फिर से इंटर वाली वेबसाइट पर इसे कट करते हैं और यहाँ पे आपको रिप्लेस इमेज पे क्लिक करना है फिर अपलोड पे क्लिक करना है फिर आपको लोगो सेलेक्ट करना है फिर ओपन पे क्लिक कर देना है फिर आपका लोगो यहाँ पे ऐड हो जाएगा यहाँ पे आप देख सकते हैं लोगो यहाँ पे ऐड हो चुका है फिर आपको कट पे क्लिक करना है तो उसके बाद आपको यहाँ पे मैसेज वाला आइकन पे क्लिक करना है और यहाँ पे आपको जो भी टैगलाइन में मैसेज लिखना है उसे आपको यहाँ पे एंटर करना है ठीक है तो यहाँ पे मैंने लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब लिखा है तो मैं यहाँ पे एज इट इज रहने दूंगा तो आपको जो भी लिखना है उसे आप लिख लेना तो ये सारा चीज करने के बाद आपको यहाँ पे प्रोड्यूस वीडियो पे क्लिक करना है फिर से आपको यहाँ पे प्रोड्यूस पे क्लिक करना है और यहाँ पे आपका वीडियो रेंडरिंग स्टार्ट हो जाएगा बहुत ही फास्ट रेंडर होता है इस वाला वेबसाइट पे तो यहाँ पे मेरा इंट्रो वीडियो जो है रेडी हो चुका है तो चलिए इसे इस प्ले करके देख लेते हैं तो यहाँ पे कुछ इस तरह का आपका इंट्रो दिखेगा तो इसे डाउनलोड करने के लिए आपको यहाँ पे शेयर और डाउनलोड पे क्लिक करना है और फिर से आपको यहाँ पे शेयर एंड डाउनलोड पे क्लिक करना है फिर आपको यहाँ पे डाउनलोड पे क्लिक करना है फिर यहाँ पे एक जी फाइल डाउनलोड हो जाएगा तो इसे आपको सेव कर लेना है तो यहाँ पे मैंने आपको पांच इंट्रो बना के कस्टमाइज़ करके दिखाया हूँ अब मैं आपको बताऊँगा कैसे आप इंट्रो वीडियो के वाटर को रिमूव कर सकते हैं तो चलिए सबसे सब पहले मैं जिप फाइल को एक्सट्रैक्ट कर लेता हूँ फिर मैं आपको बताऊँगा कैसे आपको वीडियो के अंदर से वाटर को रिमूव करना है चलते हैं फाइल्स पर तो यहाँ पर सारे जिप फाइल को मैं एक फाइल पर रख लूँगा ठीक है उसके बाद मैं उसे एक्सट्रैक्ट करूँगा तो यहाँ पे चारों जिप फाइल को मैंने सेलेक्ट कर लिया है और ये वो वीडियो है ठीक है फिर मैं इसे कट कर लेता हूँ यहाँ पे भी एक न्यू फोल्डर क्रिएट कर लेता हूँ फिर इस फाइल को ओपन कर लेता हूँ यहाँ पेस्ट कर देता हूँ सभी को तो चलिए मैं यहाँ पे सभी जीप फाइल को एक्सट्रैक्ट कर लेता हूँ चलिए यहाँ पे ओपन करके देख लेते हैं चलिए इसे प्ले करके देख लेते हैं तो यहाँ पे आप देख सकते हैं वीडियो में यहाँ पे एक वाटर मार्क आ रहा है वेबसाइट का तो चलिए आपको बताते हैं इसे रिमूव कैसे करना है तो यहाँ पे मैं सभी को रिमूव करके आपको दिखाने वाला हूँ तो चलिए चलते हैं वेबसाइट पे फिर से वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको इस वेबसाइट का लिंक मिल जाएगा जैसे आप उस लिंक पर क्लिक करेंगे तो आप इस वाले पेज पर पे पहुँच जाओगे फिर आपको यहाँ पर चूज फाइल पर क्लिक करना है उसके बाद आपको वीडियो फाइल को सलेक्ट करना है अपने जहाँ भी वीडियो फाइल रखा है वहाँ से आपको सेलेक्ट कर लेना है तो इसको ओपन कर लेते हैं तो सबसे पहले मैं आपको यहाँ पे नंबर फाइव वाले में जो वीडियो है उस वीडियो का वाटरमार्क रिमूव करके दिखाऊंगा फिर आपको सिक्स वाले को दिखाऊंगा फिर सेवन फिर एट और फिर सबसे लास्ट में आपको इन वीडियो डॉट आई ओ वेबसाइट से जो मैंने इंट्रो बनाया है उस वीडियो का वाटरमार्क रिमूव करके दिखाऊंगा तो यहाँ पे नंबर फाइव वाले पे सेलेक्ट करते हैं फिर वीडियो को सिलेक्ट करते हैं फिर ओपन पे क्लिक करते हैं वीडियो अपलोड करने के बाद यहाँ पे आपको लेफ्ट साइड में बहुत सारे टूल्स मिलेंगे तो यहाँ पे आपको लेफ्ट साइड में आना है और फोर्थ नंबर में आपको यहाँ पर वाटरमार्क रिमूव वाले ऑप्शन को सिलेक्ट करना है फिर आपका एक नया पेज ओपन हो जाएगा तो यहाँ पे आपको वाटरमार्क को सिलेक्ट करना है तो यहाँ पे आपको वाटर मार्क को अच्छे से सेलेक्ट कर लेना है सेलेक्ट करने के बाद सेव पे क्लिक करना है फिर आपकी वीडियो से कुछ ही सेकंड में वाटर मार्क रिमूव हो जाएगा तो यहाँ पे चलिए वीडियो को प्ले करके आपको दिखा देता है तो यहाँ पे आप तो देख सकते हैं वाटर मार्क क्या मैं नहीं दिख रहा है तो यहाँ पे आपको डाउनलोड पर क्लिक कर लेना है फिर आपको इसे सेव कर लेना है यहाँ पे वीडियो सेव हो चुका है चलिए इस वीडियो को प्ले करके दिखाते हैं आपको यहाँ पे आप देख सकते हैं कोई भी यहाँ पे वाटर मार्क नहीं आ रहा है तो चलिए आप दूसरा वीडियो का वाटर मार्क रिमूव करते हैं फिर से यहाँ पे चूस्ट फाइल पे क्लिक करते हैं फिर से यहाँ पे प्रोजेक्ट सिक्स पे क्लिक करते हैं और इसे सिलेक्ट करके ओपन कर लेते हैं यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे वाटरमार्क आ रहा है तो चलिए इसे रिमूव करते हैं फिर से यहाँ पे रिमूव बलाइकन पे क्लिक करते हैं फिर से यहाँ पे वाटर मार्क को सेलेक्ट करना है वाटर मार्क सेलेक्ट करने के बाद फिर से आपको सेव पे क्लिक करना है और कुछ ही सेकंड में आपकी वीडियो का वाटर मार्क रिमूव हो जाएगा तो यहाँ पे वाटर मार्क रिमूव हो चुका है फिर से आपको यहाँ पे डाउनलोड पे क्लिक करना है और इसे सेव कर लेना है यहाँ पे दूसरा इंट्रो वीडियो भी सेव हो चुका है तो चलिए इसे प्ले करके आपको दिखा देते हैं तो आप देख सकते हैं कोई भी वाटर मार्क नहीं आ रहा है वीडियो पर तो चलिए अब तीसरे वीडियो से वाटरमार्क को रिमूव कर लेते हैं इसे कट करते हैं फिर से चूस्पाइल पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे वीडियो ऐड हो चुका है फिर से यहाँ पर वाटरमार्क रिमूव वाला आइन पर क्लिक करते हैं और फिर से सेलेक्ट कर लेते हैं फिर सेव पे क्लिक करना है फिर से आपको यहाँ पर डाउनलोड पर क्लिक करना है और इसे सेव कर लेना है चलिए आप फोर्थ वीडियो का वाटर मार्क रिमूव करते हैं चूसपाइल पर क्लिक करते हैं इंट्रो वीडियो पर चलते हैं नंबर एट को सेलेक्ट करके वीडियो को सेलेक्ट कर लेते हैं ओपन पे क्लिक करते हैं और फिर से यहाँ पे वाटर मार्क रिमूव पे क्लिक करते हैं फिर यहाँ पे इसे सेलेक्ट करते हैं वाटर मार्क को फिर यहाँ पे सेव पे क्लिक करते हैं और फिर से यहाँ पे डाउनलोड पे क्लिक करते हैं सेव पे क्लिक करके इसे सेव कर लेते हैं यहाँ ये भी सेव हो चुका है चलिए इसे प्ले करके देख लेते हैं तो यहाँ पे आप देख सकते हैं वीडियो का वाटरमार्क जो है रिमूव हो चुका है चलिए अब लास्ट वीडियो का वाटर मार्क रिमूव कर लेते हैं जिसे मैंने डाउनलोड किया था इन वीडियो डॉट आईओ से यहाँ पे इसका लोगो आ रहा है ठीक तो है तो चलिए इसे रिमूव करते हैं फिर से वाटरमार्क रिमूव पे क्लिक करते हैं फिर से वाटरमार्क को सिलेक्ट करते हैं वाटर मार्क सेलेक्ट करने के बाद फिर से आपको सेव पे क्लिक कर देना है और फिर से आपको यहाँ पे डाउनलोड पे क्लिक करना है और फिर आपको यहाँ पे सेव फाइल पे क्लिक करके इस वीडियो को सेव कर लेना है यहाँ पे देख सकते हैं ये भी सेव हो चुका है चलिए इस वीडियो को प्ले कर लेते हैं तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इस वीडियो का भी वाटरमार्क जो है रिमूव हो चुका है इस वेबसाइट में एक ही प्रॉब्लम है फ्रेंड्स कि आपके वीडियो का साइज जो है डिक्रीज हो जाता है आपके वीडियो का साइज कम हो जाता है ठीक है अगर आपको सेम साइज़ में वीडियो का वाटरमार्क को रिमूव करना है तो मैं आपको और एक वेबसाइट के बारे में बताता हूँ उस वेबसाइट से अगर आप वाटर को रिमूव करोगे तो आपकी वीडियो का साइज नहीं घटेगा जैसे आप ब्राउजर पर सर्च करेंगे वन टू थ्री एप्स डॉट कॉम तो आप इस वेबसाइट पर जाओगे फिर आपको यहाँ पे वीडियो टूल्स वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है फिर आपको यहाँ पे रिमूव लोगो पे क्लिक करना है उसके बाद आपको यहाँ पे ओपन फाइल पे क्लिक करना है फिर आपको अपना इंट्रो वीडियो को सिलेक्ट करना है तो चलिए मैं यहाँ पे फर्स्ट वाला सेलेक्ट कर लेता हूँ वीडियो सेलेक्ट करने के बाद ओपन करना है तो यहाँ पे आपको एरिया सेलेक्ट करना है जहाँ पे आपका वाटर मार्क है तो यहाँ पे मेरा वाटर मार्क है तो इसे सेलेक्ट कर रहा हूँ मैं तो वाटर मार्क सेलेक्ट करने के बाद सेब पे क्लिक करना है तो यहाँ पे आपका कुछ ही सेकंड में वीडियो का वाटर मार्क रिमूव हो जाएगा फिर आपको यहाँ पे सेब पे क्लिक करके इसे डाउनलोड कर लेना है वीडियो को तो यहाँ पे आप देख सकते हैं वीडियो का साइज़ डिक्रीज़ नहीं हुआ यहाँ पे थ्री पॉइंट फाइव एम बी का वीडियो था और थ्री पॉइंट फाइव एम बी का ही वीडियो यहाँ पे बना है ठीक है तो इसे आपको सेब फाइल पे क्लिक करके इसे सेव कर लेना है तो चलिए इस वीडियो को प्ले करके आपको दिखाता हूँ तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये वेबसाइट भी बहुत ही अच्छी तरीके से वाटर मार्क को रिमूव कर दिया है और बहुत ही अच्छी क्वालिटी में वीडियो दिख रहा है अगर आप इस वेबसाइट से वाटर मार्क को रिमूव करते हो तो बहुत ही अच्छी तरीके से वाटर मार्क को रिमूव कर देगा ये वेबसाइट भी और आपके वीडियो का साइज जो है डिक्रीज नहीं होगा सेम साइज में आपके वीडियो से जो वाटर मार्क रिमूव हो जाएगा चलिए आपको बताते हैं ये पांचों इंट्रो वीडियो आपको कैसे मिलेंगे मैंने चार वीडियो वीडियो बोल्ट डॉट नेट वाले वेबसाइट से बनाया है तो आपको वीडियो बोल्ट डॉट नेट वाली वेबसाइट पे आ जाना है और उसके बाद आपको टैंप मेल से रजिस्टर्ड कर लेना है वीडियो बोल्ट डॉट नेट वाली वेबसाइट से चार इंट्रो जो, जो मैंने बनाया है उन चारों इंट्रो का नाम आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा तो मैं आपको स्क्रीन पे पांच इंट्रो दिखा देता हूँ सिंपली आपको इन इंट्रोस को कॉपी करना है कॉपी करके आपको पेस्ट करना है सर्च बॉक्स पे और उसे सर्च करना है सर्च करने के बाद आपको इंट्रो मिल जाएगा सिंपली आपको एडिट पर क्लिक करके इंट्रो को कस्टमाइज कर लेना है और फिर उसे डाउनलोड कर लेना है चलिए अब आपको बताते हैं इन वीडियो डॉट आयो से जो मैंने इंट्रो बनाया था वो इंट्रो आपको कैसे मिलेगा सबसे पहले आपको इन वीडियो डॉट आयो वाली वेबसाइट पे आ जाना है फिर आपको साइन अप कर लेना है टेम्पल से बहुत ही सिंपल से अप का प्रोसेस है आप टेम्पल से इजीली साइन अप कर सकते हैं यहाँ पे आप मोबाइल नंबर देख के घबराना मत यहाँ पे आप रेंडमली कोई भी मोबाइल नंबर आप डाल सकते हो आपका यहाँ पे वेरिफिकेशन नहीं होता है सिंपली आपको मोबाइल नंबर डाल देना है और उसके बाद आपको रजिस्टर्ड कर लेना है फिर आपको मेरे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाना है वहां पे मैंने इस इंट्रो वीडियो का लिंक दिया हुआ है उस लिंक पे क्लिक करना है जैसे आप उस लिंक पे क्लिक करेंगे तो फिर आपका इस तरह का पेज ओपन होगा तो सिंपली आपको यहाँ पे यूज दिस टेम्पलेट पे क्लिक करना है और इस टेम्पलेट को आप कस्टमाइज कर पाएंगे इस वीडियो को बनाने में बहुत ही ज्यादा मेहनत लगा तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर करना इस वीडियो के को रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन है तो मुझे आप कमेंट में पूछ सकते हैं और अगर आप इसी तरीके के वीडियो देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बगल में जो बेल का आइकन है उसे भी प्रेस कर देना ताकि जब भी मैं न्यू वीडियो अपलोड करूँ तो तुरंत आपके पास नोटिफिकेशन चले जाए तो चलिए मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी नेक्स्ट टॉपिक के साथ तब तक के लिए गुड बाय